अब मैं सबसे पहले डाल दिया जाएगा घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मिस्टर साहब, क्या आप खैरियत से होंगे? सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की जिंदगी में मिसला जाओ साकमय और सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी जो आवाज़ आप फरमाए। तो इस वक्त हैं जी हम पेशावर में न्यू इफ़्तिखार बंगश होटल पे, और यहाँ का काबली पुलाव जो बहुत ही फेमस है और खाने में भी बहुत लजीज है। आइए देखते हैं कि काबली पुलाव जो यहाँ पर किस तरह तैयार किया जाता है और कौन कौन से एजेस में इस्तेमाल होते हैं। उसके लिए हमारे साथ हैं जी मुस्लिम भाई, जो हमें काबली पुलाव जो बना के दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। घी जो है वो ज़बरदस्त गर्म हो गया। अभी घी के साथ शामिल करेंगे प्याज जो कि पहले से काट के रखे हुए हैं। घी जो है वो काफ़ी गर्म है, प्याज डालते ही इसमें उबलना शुरू हो गया। घी के साथ प्याज शामिल करने के बाद प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे और ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मुस्लिम भाई, कितने अरसे से कर रहे हैं ये काम? 20 साल से। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुस्लिम भाई का 20 साल का एक्सपीरियंस है जी काबली पुलाव बनाने में। कारखानों उधर काबली पुलाव बोलते चौबान मोड चौबान कारखाने की सर ताकाल शिनवरी बाबावली। इस एक टब में चावल जो तैयार होंगे वो तकरीबन 25 किलो होंगे। प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। प्याज के साथ अभी शामिल कर लेंगे ग्रीव। प्याज को ब्राउन करने के साथ ही टब में डाल दिया जी गोश्त। मुस्लिम भाई, 25 किलो चावल के साथ कितना गोश्त डालते हैं? 25 किलो चावल के लिए 20 किलो बीफ जो है वो इस्तेमाल होगा। अभी गोश्त को भी प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। गोश्त को थोड़ी देर पकाने के बाद अभी गोश्त के साथ टब में डाल लेंगे जी पानी। पानी के लिए मुस्लिम भाई ने सीधा ही पाइप इसमें लगा दी है, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि कितना पानी जो वो डालना है वो पाइप की मदद से इसमें डाल लेंगे।
मुस्लिम भाई टब में कोई निशान लगाया हो जितना पानी डालना है? बस उसके अंदाजा गोश्त के साथ पानी डाल दिया, बस अंदाजा। मुस्लिम भाई का अंदाज़ा ही काफ़ी है, वो कह रहे हैं जी अंदाजे के मुताबिक ही पानी जो है हम इसमें डालते हैं। टब में पानी डाल दिया और अभी टब को ऊपर से डाम देंगे। अभी काबली पुलाव के लिए जो गाजर इस्तेमाल करेंगे उसको धो लेंगे, पार्ट इसको पहले से लिए। कुछ इस्तेमाल होगी किशमिश, ये किशमिश जो है वो देसी वाली किशमिश है। किशमिश को भी धो लेंगे। गाजर के साथ अभी देखते हुए डाल लेंगे किशमिश। गाजर और किशमिश डालने के बाद अभी देखते हुए डालेंगे पानी। देखते को चूल्हे पे रख दिया और चूल्हे के नीचे जला दिए जी आग। अभी गाजर और किशमिश को उबाल लेंगे। मुस्लिम भाई अभी गोश्त को कितनी देर के लिए पकाएंगे डाम के? दो घंटे के लिए। गाजर जो है वो उबल गई है। गाजर में से अभी इजाफी पानी जो है वो निकाल देंगे। गाजर के साथ शामिल कर लेंगे चीनी। चीनी के साथ शामिल कर लेंगे घी। दोबारा से देख के ऊपर से डाल देंगे और चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे। गोश्त को तकरीबन दो घंटे से कुछ ज़्यादा टाइम के लिए उबाल लिया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक जो है इसके ऊपर देखने को मिल रही है। पुलाव के लिए जो चावल इस्तेमाल करेंगे उनको तकरीबन एक घंटे के लिए जो भिगो के रखना है और उसके बाद इसमें से पानी जो है निकाल दिया। चावलों के ऊपर डाल देंगे थोड़ा गर्म पानी। अभी टब में डाल लेंगे चावल। टब में चावल डालने के बाद चावलों को अच्छी तरह हिला लेंगे। चावलों में भी उबाल आना शुरू हो गया मगर अभी तक चावलों को जो है बार बार हिलाया जा रहा है। काबली पुलाव में शामिल की जा रही है जी थोड़ी चीनी। चीनी शामिल करने के बाद चीनी को भी चावलों के साथ मिक्स कर लेंगे।
पुलाव में पानी जो है वो थोड़े रह गया और चावल जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और लंबे लंबे से तैयार हो रहे हैं और चम्मच जो है मुसलसल चावलों में चलाया जा रहा है। अब ये पुलाव के नीचे आंच जो है वो तेज़ कर दी है। अभी पुलाव के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा जीरा। चावलों को अभी ऊपर से डाल देंगे। और ढक्कन के गिर्द कपड़ा लपेट लिया ताकि चावलों को जो है दम पे रखा जाए। दामने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए पुलाव को जो है वो दम पे रहने देंगे। तो माशाल्लाह पुलाव के लिए गाजर और किशमिश जो है वो भी तैयार हो गई है। तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव तैयार हो गया, पुलाव का दम खुल गया। अभी पुलाव को खोल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह पुलाव के चावल जो है बहुत ही ज़बरदस्त और लंबे लंबे से जो है तैयार हुए हैं। पुलाव को तैयार करने के बाद इसमें से कुछ बोटियां जो है अलहदा कर ली जाती हैं ताकि हर प्लेट में जो है वो बोटी भी पुलाव के साथ दी जा सके। तो लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कावली पुलाव जो है वो तैयार हो गया। तैयारी की सारी वीडियो हमने आपको दिखाई है और भी आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो हमारे साथ हैं अब्दुलरहमान साहब, ये इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, तो इनके साथ भी अपनी मुलाकात हमने करवा दी है। तो चलिए अभी टेस्ट करके बताते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव जो है वो तैयार हुए। गाजर और किशमिश का जायका जो है वो तो कमाल का है। और गोश्त जो है वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त गला हुआ, हाथ लगाते ही खुलता जा रहा है। वैसे पुलाव को हाथ के साथ खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि हाथ के साथ आप सारी चीज़ें जो है मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा गोश्त लें, थोड़ी सी गाजर लें, साथ किशमिश लें और थोड़े से साथ चावल लें, फिर खाएँ। गाड़ी को माल हो गया दोस्तों।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।